दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। विधानसभा अध्यक्ष इतने असहाय क्यों हैं? विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इतने असहाय क्यों नजर आ रहे हैं? उन्हें अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा क्यों नहीं है? सच स्वीकारने के लिए, सच बोलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई। गिरीश गौतम मीडिया से बात करते हुए एमपी के स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुछ ऐसा बोल गए हैं जो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए, भाजपा पार्टी के लिए शर्म की बात होना चाहिए। गिरीश गौतम बयान में कह रहे हैं एमपी में सिर्फ एक रीवा जिले से हर माह 7000 से अधिक मरीज इलाज के लिए महाराष्ट्र के नागपुर जाते हैं। अब आप पूरे मध्य प्रदेश के बारे में सोचें तो लाखों लोग इलाज के लिए एमपी से नागपुर जा रहे हैं। एमपी में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करने के बजाय, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के बजाय नागपुर में एमपी के नाम पर धर्मशाला बनाने की बात कर रहे हैं गिरीश गौतम। इतना ही नहीं, अंत में वह कह रहे हैं ईश्वर को जो मंजूर होगा, यानी उन्हें सीएम शिवराज पर भी भरोसा नहीं है कि वह धर्मशाला नागपुर में बनवाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का यह बयान शिवराज सरकार व भाजपा पार्टी की पोल खोलकर एमपी की 8 करोड़ जनता के सामने सच को रख रहा है। सुनिए गिरीश गौतम क्या कह रहे हैं। चाहिए है कि नागपुर में इस तरह का कोई भवन बन जाए एमपी भवन के नाम से, क्योंकि नागपुर के यहाँ आजकल रीवा का मेडिकल हब नागपुर है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उनके मुकाबले कम हैं, कमतर हैं, इसलिए यहाँ का मरीज सीधे नागपुर भागता है। और मैंने जो अध्ययन कराया है उस अध्ययन में ऐसा निकल करके आया है कि हमारे यहाँ से 7 बसें प्रतिदिन नागपुर को जाती हैं मरीजों या उनके परिजनों को लेकर के, यदि सब बस अलग और ट्रेन अलग जा रही है, यदि इतनी बसें जा रही हैं तो मतलब 30 से 40 सवारी भी जा रहे हैं तो वो 7 बसों का मतलब 7 × 210 हो जाता है, माने 6 से 7 हज़ार आदमी दवाई के लिए केवल कहाँ जा रहा है वो आपके वहाँ। वहाँ जो मैं नागपुर कई बार गया, खुद देखा जा करके, वहाँ एक बड़ी समस्या है। वो जब मरीज जाते हैं वहाँ पर बस स्टैंड में उतरते हैं तो उनको रुकने की जगह नहीं मिलती। यदि कहीं एक छोटा सा भी कमरा लें तो 1000 रुपये एक दिन का लगता है। तो मेरे मन की इच्छा थी कि वहाँ पर एक तरह से कोई एमपी भवन बन जाए जहाँ पर इस तरफ से जाने वाले लोगों को 50 रुपये में मिल जाए, खाना की व्यवस्था वहाँ हो जाए, 20-25 रुपये में खाना मिल जाए, 2-3 दिन रुक करके अपना दवाई करा लें, दवाई करा करके लौट आ लें। उस दिशा में प्रयास हमारी वहाँ महाराष्ट्र सरकार से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारे पत्र भी चले गए हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और अपन प्रयास करें कि जमीन मिल जाए तो फिर लोगों से बातचीत करके उसको बनाने का प्रयास करें। अब देखिए क्या ईश्वर मालिक है, क्या हो सकता है।